जिस भारत का सपना गांधी जी और देश की महान विभूतियों ने देखा था, वो सपना हम सब मिलकर के पूरा करें। बीते 10 साल में कोटि कोटि भारतीयों ने इस मिशन को अपनाया है, अपना मिशन बनाया है। मैं राष्ट्रपति जी, उपराष्ट्रपति जी, पूर्व राष्ट्रपति जी, पूर्व उपराष्ट्रपति जी, उन्होंने भी स्वच्छता की ही सेवा इस कार्यक्रम में श्रमदान किया। मैं आज राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति महोदय का भी हृदय से अभिनंदन करता हूं, धन्यवाद करता हूं। मां भारती के सपूतों को श्रद्धापूर्वक नमन करता हूं। जिस भारत का सपना गांधी जी और देश की महान विभूतियों ने देखा था, वो सपना हम सब मिलकर के पूरा करें। आज का दिन हमें ये प्रेरणा देता है। साथियों, आज 2 अक्टूबर के दिन मैं कर्तव्य बोध से भी भरा हुआ हूं और उतना ही भावुक भी हूं। आज स्वच्छ भारत मिशन को, उसकी यात्रा को 10 साल के मुकाम पर हम पहुंच चुके हैं। स्वच्छ भारत मिशन की ये यात्रा करोड़ों भारतवासियों की अटूट प्रतिबद्धता का प्रतीक है। बीते 10 साल में कोटि कोटि भारतीयों ने इस मिशन को अपनाया है, अपना मिशन बनाया है, इसे अपने जीवन का हिस्सा बनाया है। मेरे आज के 10 साल की यात्रा के पड़ाव पर मैं हर देशवासी, हमारे सफाई मित्र, हमारे धर्मगुरु, हमारे खिलाड़ी, हमारे सेलिब्रिटीज, एनजीओस, मीडिया के साथी, सभी की सराहना करता हूं, भूरी भूरी प्रशंसा करता हूं। आप सभी ने मिलकर स्वच्छ भारत मिशन को इतना बड़ा जन आंदोलन बना दिया। मैं राष्ट्रपति जी, उपराष्ट्रपति जी, पूर्व राष्ट्रपति जी, पूर्व उपराष्ट्रपति जी, उन्होंने भी स्वच्छता की ही सेवा इस कार्यक्रम में श्रमदान किया, देश को बहुत बड़ी प्रेरणा दी। मैं आज राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति महोदय का भी हृदय से अभिनंदन करता हूं, धन्यवाद करता हूं। आज देश भर में स्वच्छता से जुड़े कार्यक्रम हो रहे हैं। लोग अपने गांवों को, शहरों को, मोहल्लों को, चाल हो, फ्लैट्स हो, सोसाइटी हो, स्वयं बड़े आग्रह से साफ सफाई कर रहे हैं। अनेक राज्यों के मुख्यमंत्री, मंत्रीगण और दूसरे जनप्रतिनिधि भी इस कार्यक्रम का हिस्सा बने, इस कार्यक्रम का नेतृत्व किया। बीते पखवाड़े में, मैं इसी पखवाड़े की बात करता हूं, देश भर में करोड़ों लोगों ने स्वच्छता ही सेवा कार्यक्रमों में हिस्सा लिया है। मुझे जानकारी दी गई
कि सेवा पखवाड़ा के 15 दिनों में देश भर में 27 लाख से ज्यादा कार्यक्रम हुए, जिनमें 28 करोड़ से ज्यादा लोगों ने हिस्सा लिया। निरंतर प्रयास करके ही हम अपने भारत को स्वच्छ बना सकते हैं। मैं सभी का, प्रत्येक भारतीय का हार्दिक आभार व्यक्त करता हूं।